फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पर क्लास सेवेंथ डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन चैप्टर 8। और चलिए शुरू करते हैं। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। फ्रेंड्स, जब लार्ज किंगडम नहीं थे तब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल अपने गॉड गॉडेस की पूजा करते थे। तो जब पीपल टुगेदर हुए, एक साथ हुए, टाउन्स का ग्रोथ हुआ, ट्रेड और एम्पायर्स का हुआ, तो नए आइडिया डेवलप होने लगे। इस पीरियड में यह आइडिया निकला कि सभी ह्यूमन बींग बर्थ के टाइम पर इक्वल नहीं होते हैं। सुप्रीम गॉड का डिवोशन यानी भक्ति भी इन पीरियड में आया। और जो बहुत सारे गॉड गॉडेस थे उनको शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप मान लिया गया, उनका फॉर्म मान लिया गया। 7th to 9th century में एक नया रिलीजियस मूवमेंट आया जो नैनार्स और अलवार्स। फिर नैनार्स का मतलब होता है सेंट्स डिवोटेड टू शिव, उसका मतलब होता है नैनार। और अलवार का मतलब होता है सेंट डिवोटेड टू विष्णु। तो ये बुद्धिस्ट और जैन्स के शार्पली क्रिटिकल के उनके कटु आलोचक थे। और वो शिवा या फिर विष्णु को मानते थे कि उनकी पूजा करने से ही मोक्ष मिलेगा। तो वो पोयम लिखते थे और गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे। चोल और पांड किंग्स ने भी बहुत सारे टेंपल्स बनवाए थे। अब देखते हैं फिलोसॉफी एंड भक्ति। शंकरा जो एक फिलोसफर थे केरला के, उन्होंने अडवैटा, तो उन्होंने इस यह उन्होंने दिया कि एक इंडिविजुअल सोल सी सुप्रीम गॉड की भक्ति ही अल्टीमेट रियलिटी है, उससे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और तमिलनाडु के थे रामानुज, जिन्होंने विष्णु का ही पूजा करने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि उसी से मोक्ष मिल सकता है। आप देखते बसवन्नास वीरशैविज्म एक मोमेंट था जिसमें बसवन्ना और उसके कुछ कंपेनियंस जैसे अलमा प्रभु और अक्क महादेवी, ये मिड 12th century में कर्नाटक में हुआ। वो इक्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू किया और उन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज कास्ट के नाम पर और वुमेन्स के ट्रीटमेंट, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण जो होते थे, इस जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। इस पर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट किया। अब महाराष्ट्र के संत के बारे में देखते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला फोकस्ड ऑन द भक्ति ऑफ विठ्ठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। फ्रेंड, जो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के जो संत थे, उन्होंने भी विष्णु जी की भक्ति पर जोर दिया। उनके कुछ नाम थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सक्कूबाई और चोखा मेला का परिवार। इनमें से कुछ लोअर कास्ट के थे, उन्होंने जो डिफरेंसेस थे उनको नहीं माना। जो बर्थ के टाइम पे जो ब्राह्मण व्यवस्था थे उनको नहीं माना। अब देखते नाथ पंथीस, सिद्धास एंड योगीस। इन नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप दैट इमर्ज ड्यूरिंग पीरियड क्रिटिसाइज द रूल, रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल और आर्ग्यूमेंट्स। कुछ ने सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सोशल ऑर्डर जो था और जो
जितने भी रिचुअल होते थे, जितने भी परंपराएं होती थी, उनको मना किया। उनमें थे, उन रिलीजियस ग्रुप्स में थे नाच पंथीस, सिद्धाचार्यस एंड सिद्धाचार्यस और नाच पंथीस, सिद्धास और योगी। अब देखते हैं इस्लाम एंड सूफीज। इस्लाम जो है उन्होंने मोनोथेइज्म या फिर एक ईश्वरवाद को एक ईश्वरवाद पर जोड़ दिया। यानी उन्होंने कहा कि, और उन्होंने आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा को भी उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने एक होली लॉ निकाला, एक पवित्र कानून बनाया जिसको शरीयत कहा जाता था। सूफीज जो थे उन्होंने मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स का कोड्स बिहेवियर के जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया। द साउथ यूनिशन वी एज अ लेवल सिक्स इज बिलोड विद दिस रिगार्ड ऑफ द वर्ल्ड। उनका कहना था कि गॉड से उतना ही प्यार करना चाहिए जैसे एक लवर अपनी बिलोड को सीख करता है बिना किसी का की परवाह की। और इस्लाम और सूफीज में ग्रेट सूफीज में आते थे सेंट्रल एशिया के गजली, रूमी और सईदी। उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस किए सूफी ने, या फिर सिलसिलाज जो शरीयत और चिश्ती सिलसिलाज के द्वारा फैलाए गए। चिश्ती सिलसिलाज जो था वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। इनमें से बहुत सारे टीचर थे इस सिलसिले के, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औली ऑफ दिल्ली और बंदा नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। अब कुछ नॉर्थ इंडिया में भी कुछ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स आए। कुछ नई वेव आई। इस वेव को बहुत सारे स्कॉलर्स ने लीड किया, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर और बाबा गुरु नानक। इस ट्रेडिशन में कुछ संत भी आए जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी। और इन मोस्ट ऑफ द संत, ये जो बहुत सारे संत थे वो लोकल लैंग्वेजेस में अपनी बात कहते थे, अपने जो उन्होंने पोयम लिखी थी वो गाना गाते थे। अब देखते कबीर के बारे में। कबीर ने भी आइडल वर्शिप को रिडिकुल किया और एक सुप्रीम गॉड की भक्ति पर जोर दिया। और गुरु नानक देव जो थे उन्होंने वन गॉड की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया और नाम जपना, कीर्ति काम और वंद छकना, इन सब पर भी एम्फेसाइज किया। इनके जो फॉलोवर थे वो 16th सेंचुरी उनके सक्सेसर के अंदर, उनके जो आगे वाले थे, उनके जो बाद आए जैसे गुरु गोविंद सिंह, उनके फॉलोवर ज़्यादा बढ़ गए। और शंकर जो थे वो भी एक इंडिविजुअल सॉइल और सोल ऑफ और सुप्रीम गॉड की डिवोटी थे, वो भी यही थे। और कबीर और बाबा गुरु नानक ने जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो तुलसीदास और जो सूरदास थे उन्होंने एग्जिस्टिंग बिलीव मूर्ति पूजा को मान लिया, पर लेकिन यह मूर्ति पूजा सबको करने दिए। तुलसीदास का जो कंपोजिशन था रामचरितमानस, ये उसके डिवोशन का, उनके डिवोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सूरदास एक कृष्ण के डिवोटी थे। और कुछ अदर संत थे जैसे दादू दयाल, रविदास और उनके कामों की वजह से वो बहुत पॉपुलर हुए। अब कुछ हम कीवर्ड्स देख देते वीर साइज। इट वॉज पॉपुलर इन कर्नाटक ड्यूरिंग द मिड ट्वेल्थ सेंचुरी में ये था। और हेजियोग्राफी राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइव्स, विथला फॉर्म ऑफ विष्णु, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, वन कैप्ट बाय रिलीजन खान का। और ये देखिए, आप हमने कीवर्ड्स आपको दे दिए। धर्मशाला इज सेक्रेट स्पिरिट बाय गुरु नानक। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने श्री ग्रुप में।
कीप रनिंग, बाय बाय।